Hello students, today in this video we are going to read the first chapter of your English supplementary book. The name of this chapter is The Tiny Teacher. The word tiny means very very small, and the word teacher means yes, someone who teaches us. So we are going to read about something, a creature which teaches us something and who's very small at the same time, very tiny. So let's read. Name the smallest insect you have seen and the wisest. तो उस इंसेक्ट का नाम बताओ जिसको आपने देखा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे वाइजेस्ट भी है. वाइजेस्ट मीन्स सबसे चालाक. ओके, इज इट द फ्लाई? क्या मक्खी है? नो, इट इजंट. नहीं, मक्खी नहीं है इतना चालाक. इज इट द मॉस्क्यूटो? मॉस्क्यूटो है चालाक, थोड़ा चालाक तो है, लेकिन क्या वो सबसे छोटा है? नहीं. नो, नॉट द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो भी नहीं. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. क्या वो वॉर्म है? वॉर्म मीन्स जो केंचुआ होता है पानी में या मिट्टी में रहता है. नो, नॉन ऑफ दिस, ये सब नहीं है. इट इज़ द एंट. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चींटी के बारे में. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. के चींटी जो है सबसे कॉमन, कॉमन इसलिए क्योंकि वो हर जगह पे पाई जाती है. एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भी है, बट द वाइजेस्ट, सबसे चालाक इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अगर आपको एक एंट के लाइफ का स्टोरी बताया जाए तो आपको लगेगा कि ये तो सच हो ही नहीं सकता, आप बिलीव नहीं करोगे. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो एंट्स को पेट की तरह रखते हैं और उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो एंट्स के बारे में रिसर्च करते हैं और उनको ये सब एंट के लाइफ स्टोरी के बारे में पता चला है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो इसलिए, क्योंकि लोग उनके बारे में रिसर्च करते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में कुछ कुछ पता है. और ये लोग बहुत ही छोटे, बहुत ही हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते हैं, बहुत चालाक होते हैं. क्रिएचर वर्ड का मतलब होता है कोई भी प्लांट या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग, जिसके भी अंदर जान है उसको हम क्रिएचर कह सकते हैं. फिर एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक. तो एंट बात करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जैसे हम मुंह से आवाज़ें निकाल के बात करते हैं, वैसे एंट्स एक दूसरे के फिलर्स. अब देखे होंगे उनके हेड के ऊपर दो छोटे छोटे सींग जैसे होते हैं, दे आर देयर फिलर्स, या फिर एंटीना कह सकते हैं. एक दूसरे के एंटीना को टच करके वो बात करते हैं. ओके, तो अपना मैसेज जो है वो एंटीना के थ्रू पास करते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. तो antenna को touch करके वो लोग message pass करते हैं कि आगे खतरा है या फिर आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है, उन feelers के through वो message दे देते हैं. Watch a row of ants moving up or down the wall. आप कभी ये कर सकते हो कि wall पे अगर एंट जा रहे हो, आप देखिए वो एंट कैसे चलते हैं, एक लाइन पे चलते हैं, राइट, इधर उधर कोई नहीं भटकता लाइन से. तो उन एंट्स को एक बार देखो. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. ओके, अगर एक एंट एक डायरेक्शन से आ रहा है और दूसरे कुछ एंट्स दूसरे डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वो एंट क्या करता है, दूसरे डायरेक्शन से आने वाले सारे एंट्स को एक एक बार टच करके, उनके एंटीना को टच करते हुए जाता है. क्यों टच करते हुए जाता है? क्योंकि वो मैसेज पास करता है. ओके, तो ये कभी खुद देखना और बताना कि ऐसा होता है कि नहीं. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. ये आप ऑब्जर्व करना खुद. ओके, देखो यहाँ पे कैसे एंट सारे एक लाइन पे जा रहे हैं, और ऊपर वाले पिक्चर पे आप देख सकते हो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ते, एक दूसरे का एंटीना टच करते हुए आगे बढ़ते. देन लेट्स रीड अहेड. देर आर मैनी
काइंड्स ऑफ एंट्स, तरह तरह के एंट्स होते हैं. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. सबसे कॉमनली पाए जाने वाले, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंट है ब्लैक एंट एंड रेड एंट. ये दोनों तरह के एंट तो हम अपने घरों में भी देखते हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हम बचपन से ही एंट्स को देख रहे हैं लेकिन कभी हमने उनको अटेंशन नहीं दिया, कभी ध्यान से बैठ के उनको देखा नहीं. ठीक, वेयर डू दे लीव, हमने कभी सोचा नहीं कि ये कहाँ रहते हैं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. ओके, तो वो लोग अपने कंफर्टेबल नेस्ट में रहते हैं जिनको उन्होंने खुद बनाया हुआ होता है, जिसको एंट हिल्स भी कहा जाता है. एंड दैट एंट हिल इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, बड़े आराम से रहते हैं अपने घरों में. Each has hundreds of little rooms and passages. हर ant hill में बहुत सारे rooms और बहुत सारे रास्ते होते हैं. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Okay? तो ant hill में कुछ rooms तो queen ant के लिए होते हैं. Okay? और वहाँ पर वो अंडे देती है. Others are nurseries for the young ones. और ant hill में कुछ rooms nursery के तरह use किए जाते हैं, जिसमें baby ants रहते हैं, यंग एंट्स रहते हैं, उनको ग्रब्स कहा जाता है. ओके, तो ग्रब्स किसे कहा जाता है? द बेबी एंट्स आर कॉल्ड ग्रब्स. ओके, तो एंट हिल्स में बहुत सारे रूम्स होते हैं. कुछ रूम्स में क्वीन एंट रहती है जहाँ पे वो अंडे देती है, कुछ रूम्स में बेबी एंट्स रहते हैं. फिर क्या होता है? वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. वर्कर एंट का भी अपना अलग रूम होता है, उनका क्वार्टर रिजर्व होता है. हर किसी के लिए एंट हिल में जगह होती है, हर किसी का अपना काम भी होता है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. अपना ज़्यादातर समय एंट किस में बिताते हैं? खाना ढूंढने में. सम रूम्स सर्व अ स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. और उनके एंट हिल में कुछ रूम तो स्टोर हाउस के तरह भी यूज़ किया जाता है. आप लोग देखे होंगे चींटी लोग खाना कितना बहा बहा के ले जाती है, उनको एक दिन में खा लेती होंगी? ऑफ़ कोर्स नॉट. वो लोग फूड को स्टोर करके रखते हैं बारिश के मौसम के लिए और उन समय के लिए जब फूड नहीं मिलता है. तो कुछ रूम्स उनके स्टोर हाउस के तरह काम आते हैं, जहाँ पे सारे एंट्स ले जाके फूड को रखती हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. ओके, सोल्जर्स के लिए भी अपना सेपरेट रूम होता है. आप जानते हो जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उन जगह को बैरक कहा जाता है, जैसे वर्कर्स जहाँ रहते हैं उसको क्वार्टर कहा जाता है. तो सोल्जर्स का भी अपना सेपरेट बैरक होता है एंट हिल में, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ जस्ट अ मिनट. तो क्या पढ़ रहे थे हम? नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. अच्छा, तो इस एंट हिल में जिसका जो काम होता है वो काम करता है, जिसको जहाँ प्लेस दी जाती है वो वहीं रहता है. कभी भी कोई वर्कर सोल्जर के घर नहीं गया, कभी भी कोई सोल्जर वर्कर का काम नहीं किया, कभी भी कोई वर्कर सोल्जर या फिर क्लीनर किसी भी ग्रब को, ग्रब मीन्स बेबी एंट्स को, हार्म करने की, नुकसान करने की कोशिश नहीं किए. सब लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते, अपने एरिया में रहते हैं, अपना काम करते. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. एक एंट की लाइफ बहुत ही शांतिपूर्ण होती है. सब अपना काम सही से करते हैं और शांति से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. सब अपना अपना काम बड़े इंटेलिजेंटली, बड़े चालाकी के साथ और बहुत ही ब्रेवली करते हैं. एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप. और कभी भी एंट का एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होता है. ओके, आप लोग दूसरे एनिमल्स को झगड़ते हुए देख लोगे लेकिन एंट्स को हमने कभी झगड़ते नहीं देखा है. उनका बहुत डिसिप्लिन लाइफ होता है. नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन चेक. आंसर दिस क्वेश्चंस. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मींस, कौन सा फ्रेज इटैलिसाइज्ड है? ऑलमोस्ट अनट्रू. इस फ्रेज का क्या मतलब है? हाईली एग्जैजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट. इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है एंट के लाइफ को, या फिर इतना ज़्यादा रिमार्केबल है कि आपको सच ही नहीं लगता, या फिर एंट का लाइफ स्टोरी कोई फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है? विच वन इज़ ट्रू?
उस पर आप टिक करो. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एन एंट इज द स्मॉलेस्ट डैश. आप क्या वर्ड लिख सकते हो कि सेंटेंस कंप्लीट हो, आप ये खुद सोचो और करो. वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज डैश. हमें बहुत सारे चीज़ें एक एंट के लाइफ के बारे में पता है. क्यों, कैसे पता है? तो क्या लिख के आप सेंटेंस को कंप्लीट करो, सोचो और लिखो. क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल. एक एंट की लाइफ पीसफुल है, ये हमने स्टोरी में पढ़ा. हाउ, कैसे एक एंट का लाइफ पीसफुल है? ओके, क्यों, क्या वो करते हैं कि शांति से रहते हैं, आपको ये लिखना है. सो वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन write this comprehension check questions and ask me if you have any doubt. Thank you.